26 जुलाई से 2 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी। अमर बावरी जी, इस मानसून सत्र के अवधि को किस रूप में देख रहे हैं आप? ये तो विदाई है, ये सरकार के 5वीं विधानसभा जो इन्होंने 2019 में जीती थी और जिन वायदों के साथ जीती थी, जिन संकल्पों के साथ जीती थी, जो घोषणाओं के साथ जीती थी, वो धरे के धरे रह गए। वो 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नियुक्ति देना हो, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देना हो, या फिर 72,000 प्रत्येक परिवार को लाभ देना हो गरीबों का, ये सारी चीजें तो धराशायी हो गई। एक भी काम वो कर नहीं पाए, जो एग्जाम लिखा, जो काम किया, वो भी फ्री एंड फेयर नहीं रहा। कुल मिलाकर के अब राज्य सरकार जाएगी, किन बातों को बताएगी, ये उनका विषय है, लेकिन हम लोग 5 साल के अंदर उनके फेलियर को, असफलता को, और झारखंड के इतनी जबरदस्त जो पूरे देश दुनिया में बदनामी हुई है उसको हम लोग रखेंगे, युवाओं महिलाओं का दर्द को रखेंगे, और तुष्टिकरण और बांग्लादेशी घुसपैठों के कारण जो इस पूरे झारखंड के अस्मिता पे जो खतरा पैदा हुआ है, आदिवासियत पे जो खतरा पैदा हुआ है, उन सारे विषयों पर इस राज्य सरकार का मंतव्य और इनके द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब लेंगे। ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए आखिरी ओवर का बैटिंग होगा। आप भी, आपको भी एक आखिरी वक्त में मौका मिला, तो किस तरह से चीजों को सदन के भीतर उठाएंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? ये हमारा अंत नहीं, हमारा शुरुआत है। ये हम लोगों का एक नया अध्याय शुरू होने का एक लॉन्च है, एक समझ ले कि हमारी नींव है जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी खड़ी करेगी। कुल मिलाकर के उनके 5 साल के हिसाब और हमारे आने वाले 5 साल के लिए हमारा कमिटमेंट ये जनता के बीच हम लोग रखेंगे और विधानसभा के माध्यम से रखेंगे, और निश्चित रूप से जानकारी रखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी लगातार अब बैठक का दौर बढ़ा रहे हैं, वो अधिकारियों को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो खाली पद हैं उसमें नियुक्तियां निकाली जाए, विधि व्यवस्था दुरुस्त की जाए, इसको किस रूप में? जो बोलते हैं उसका ठीक उल्टा ही होता है। जब कहते हैं विधि व्यवस्था अच्छा किया जाए तो झारखंड में दंगे पूरे जोर शोर से होते हैं। पाकुड़ में गोपीनाथपुर की घटना के बाद हम लोगों ने इतना लोगों का ध्यान आकर्षित किया, कल फिर पाकुड़ के अंदर वो तारानगर इलाही नगर में किस तरह से वहाँ हो गई, माहौदी की क्या घटना, हजारीबाग की क्या घटना है, पूरे राज्य के अंदर 5-10 जगह ऐसे घटनाएं घटी। मुहर्रम में फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए। तो जो आप कहते हैं ठीक, उसका उल्टा होता है। कहीं आपका जो है पकड़ नहीं है, वो पूरा राज्य अराजक स्थिति में आपने भेज दिया है। आप इस राज्य के लिए भला ही कर सकते हैं, नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, 5 साल में जो नहीं कर पाए 30 दिन या 40 दिन में क्या कीजिए। आप यही झारखंड के लिए कर दीजिए कि झारखंड को बखश दीजिए। पीजीटी के मुद्दे को आपने उठाया लेकिन फिर भी नौकरियां बांट दी गई, क्या सदन में इस बार ये मामला गूंजेगा? 100% गूंजेगा। और ये बात जान के रखिए कि अगर गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां छिपेगी नहीं, सरकार बनते ही भी उन पे कार्रवाई करने के लिए सीबीआई की अनुशंसा करके हम लोग जांच कराएंगे, और गलत लोगों को उसके बाद भी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरियां जाएगी, पैसे भी जाएंगे और जेल भी जाना पड़ेगा। पहली बार झारखंड की धरती पर विस्तारित 25,000 कार्यकर्ताओं की कार्य समिति की बैठक है, क्या बदलाव होगा, क्या मानसून ये चुनाव, आगामी जो चुनाव है उसके लिए जीत के मंत्र दिए जाएंगे? आ रहे हमारे गृह मंत्री हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, और पूरी ताकत के साथ हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, और 2024 में विधानसभा के अंदर सरकार बनाने के लिए उनके मार्गदर्शन में हम लोग निकल पड़ेंगे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश होगी और जितने भी वादे पूरे नहीं हुए वो सदन के भीतर जरूर उठाएंगे। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जानिशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।